जी राधे राधे। तो जी यहाँ पे मैंने योगा के कुछ पिक्स आपके साथ शेयर करे जिसमें एरो मेरी तरफ जा रहा है वो मैं ही हूँ। तो योगा करना बहुत ही ज़रूरी है हमारे शरीर के लिए, योगा से ही होगा, ये वाला रूल ज़रूर अपनाएं। जी राधे राधे, स्वागत है आपका एक और नए ब्लॉग में। कैसे हैं आप सभी? अगर आपको मेरे ब्लॉग थोड़े से भी अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, फॉलो करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। तो जी शाम का टाइम है, मैंने घर की थोड़ी सी साफ़ सफाई कर दी थी, दिया भी जला दिया था और शाम के मतलब ऑलमोस्ट काम हो गए, बस डिनर बनाना रह गया है। तो उसके लिए मैं बैठी थी तो मैंने सोचा चलो शाम से ही ब्लॉग को स्टार्ट करते हैं। सुबह से वही सेम रूटीन था, जैसा कि सुबह साफ़ सफाई हो गई थी, फिर दोपहर का खाना बना लिया था, उसके बाद मैं योगा चली गई थी। योगा से आने के बाद मैंने थोड़ी देर रेस्ट करा, वीडियो की एडिटिंग करी, उसके बाद मैं सीधा आपसे मिली हूँ शाम को। तो चलिए देखते हैं मैं डिनर में क्या क्या बनाने वाली हूँ। आज मैं समर स्पेशल दो डिश बनाने वाली हूँ जो बहुत ज़्यादा टेस्टी होती हैं और आप उसको स्टोर करके भी रख सकते हो और एनी टाइम खा भी सकते हो। तो चलिए देखते हैं मैं क्या बना रही हूँ। यहाँ पर सबसे पहले मैं करेले बनाऊँगी जो कि आप स्टोर करके रख सकते हो, एनी टाइम आप इसको खा भी सकते हो, ताकि ये एक ऐसी चीज़ है जब आप किसी भी तरी वाली सब्जी के साथ या कुछ घर में सब्जी नहीं है, ये करेले बने हुए हैं तो आप एनी टाइम इसको सादे पराठों के साथ भी खा सकते हो। और ये ऐसी सब्जी है जो आप बना के स्टोर करके रखते हो 4-5 दिन, क्योंकि ये एक चटनी टाइप होती है, आप इसको किसी चीज़ के साथ खाते हो। और यहाँ पे तोरी रखी है जो कि थोड़ी सी मेरी ख़राब ना हो जाए, इसलिए मैं सोच रही हूँ आज तोरी बना लेते हैं। और बच्चे तोरी नहीं खाते हैं, देखते हैं मैं उनके लिए क्या बनाती हूँ। तो ये तो फ़िलहाल मैं बना ही रही हूँ, बाकी देखते हैं मैं क्या क्या बनाती हूँ। तो जी बस यहाँ पर सबसे पहले मैं तोरी छीलूँगी और फिर करेले। तो जी आप सुनाइए आप लोग कैसे हैं, क्या कर रहे हैं। यहाँ पे मैंने शाम से ब्लॉग स्टार्ट किया है, ये आपको बता ही दिया था पहले। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी बैक वॉइस व्लॉग अच्छे लगते हैं या मैं फ्रंट वॉइस ही व्लॉग्स बनाया करूँ और आप लोगों के साथ शेयर करा करूँ। आप लोग मुझे बताते नहीं हो, मुझे अच्छा नहीं लगता, तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताया कीजिए। तो यहाँ पे मैं बनाऊँगी आज करेले, वो मैंने आपको बता ही दिया था। तोरी भी बनाऊँगी मैं, तो बस किस तरह मैं बनाऊँगी ना, बस यही शेयर करूँगी आप लोगों के साथ। बाकी सभी लोगों को अपने अपने तरीके से बनाना आता होगा। तो बस यहाँ पे टीवी देखते देखते ना मैंने यहाँ पे तोरी भी कट कर ली थी और करेले भी। फिर मम्मी आ गई थी, मम्मी के साथ बैठ के थोड़ी देर बातें करी और मैंने आपको बताया ही था ना कि रियांश और पीहू ये दोनों चीज़ें नहीं खाते हैं, बट मेरे को अच्छी लगती हैं तो मैंने बना ली थी। तोरी मुझे बहुत ही पसंद है और करेले तो एज आ चटनी के तौर पे आप खा सकते हो, जब कोई सब्जी ना हो और किसी भी दाल सब्जी के साथ भी। तो बस आलू बीन्स कट कर लिए थे, यहाँ पे मैं मसाला रेडी करूँगी। हाँ जी, और करेले में मैंने नमक लगा के रख दिया था, जितनी देर मैं सारे चीज़ों की प्रिपरेशन करूँगी, तैयारियाँ करूँगी, उतने ना करेले में नमक डाल के रखें तो कड़वे नहीं होते हैं। और थोड़ी देर ही रखें, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आप रात को रखें या पहले रखें, 2-3 घंटे पहले, आधा घंटा भी आप रख देंगे तो इनफ है और हो जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले मैंने प्याज ग्रेट कर ली थी और यहाँ पे एक साइड कुकर रख दिया है जिसमें मैं तोरी बनाऊँगी और एक साइड कढ़ाई ले ली है, उसमें भी मैंने तेल गर्म होने के लिए रख दिया है। तो बस यहाँ पे तोरी बनाने के लिए जीरा और प्याज भून लिया है और प्याज मैंने रफली वाली चॉप करी है, ज़्यादा चॉप नहीं करी है क्योंकि अच्छी नहीं लगती है। और बस यहाँ पे तोरी का जो प्याज थी ना वो भुन गया है और इसमें मैंने हरी मिर्ची डाल दी है। तोरी में लाल मिर्च मैं कम डालना पसंद करती हूँ, हरी तोरी है तो हरी हरी सब्जियाँ, हरी मिर्च ही अच्छी टेस्टी आता है, इसका काफ़ी टेस्ट लगता है। इसके बाद यहाँ पे जो कढ़ाई में प्याज भुन रही थी ना, इसमें मैंने टमाटर डाल दिया क्योंकि यहाँ पे आलू बीन्स बनाने वाली हूँ मैं, जो दोनों बच्चों के लिए बनाने वाली हूँ। और तोरी मैं हमेशा ना बहुत देर तक ना फ्राई करती हूँ, कम से कम 10-15 मिनट तक सिम गैस पे रखे, क्योंकि ये फ्राई हो जाती है ना तो उसका टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। बस इसमें जितने आपको पतली रखनी है ना उतना मैंने पानी डाल दिया था और यहाँ पर प्रेशर कुकर बंद कर दिया है। इसमें 2-3 इनफ है सीटी और गल जाती है तोरी, वैसे फ्राई करते भी गल जाती है। इसके बाद मैंने ले लिया था यहाँ पे जो प्याज टमाटर का मसाला मैं भून रही थी आलू बीन्स के लिए, बेसिक से मसाले डाले थे मैंने, नमक मिर्च और हल्दी और धनिया पाउडर। तो बस यहाँ पे आलू बीन्स
टेस्टी लगती है सब्ज़ी। आप लोग कमेंट करके बताना कैसी लगती है, और मिर्च मसाले वाली बनाए जाए ना तो और ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। और हाँ, यहाँ पे एक टिप कि अगर आप ऐसी सूखी सब्जियों में बिल्कुल हल्का सा छिड़काव करेंगे ना पानी का भी, तो वो सब्ज़ी नीचे नहीं लगती है। थोड़ा थोड़ा करें, अगर फिर ज़्यादा नहीं पानी डालना है, थोड़ा थोड़ा डालना है। तो चलिए, यहाँ पे क्या है, तीसरी वैरायटी जो मैं सब्ज़ी की बना रही हूँ, उसकी भी प्याज भुन गई थी तो मैंने करेले डाल दिए। प्याज को मैं ज़्यादा नहीं भुना था और थोड़ा सा ही भुना था। इसमें मैंने कच्ची आंबी भी डाली है जो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है, खट्टापन आता है इससे। करेले में आप कच्ची आंबी डालें तो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। इसके बाद मेरा धनिया पाउडर ख़त्म हो गया था, थोड़ा सा मैंने ना दरदरा पीसा है मोटा, जो कि इसमें बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। मेरी सासू माँ इसमें ना सौंफ और धनिया का पाउडर डालती थी करेले में, तो उसका टेस्ट काफ़ी अच्छा आता था। तो चलिए, सौंफ तो नहीं है बट मैंने धनिया डाल दिया था, हल्दी, नमक, मिर्च, ये सब चीज़ें डाल दी थी जिससे करेले काफ़ी अच्छे लग रहे थे देखने में। और इतनी ही जल्दी मैंने सोचा ये गल जाएंगे। और हाँ, मैंने ना इसमें हरी मिर्च डालना भूल गई थी, तो बस हरी मिर्च डाल दी है, और हरी मिर्च का भी बहुत अच्छा टेस्ट होता है। इसके बाद आप देख रहे हो, इतना काम करने के बाद किचन बिल्कुल फैल चुकी है, तो मैं बस उसी को अब क्लीन करूँगी। आप लोगों को मेरे व्लॉग्स कैसे लगते हैं कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोगों को ये नहीं लगता कि जैसे जो अनयूजुअल लोग होते हैं, जैसे बेकार के लोग होते हैं, उनकी इतनी गंदी गंदी वीडियोस इतनी फेमस हो जाती है, और हम लोग घर की हाउसवाइफ इतनी मेहनत से वीडियो बनाते, काम करते हुए वीडियो बनाना, उसके बाद अपने जो अपना पर्सनल टाइम होता है उसमें मैं इन सब चीज़ों को एडिट करती हूँ, फिर आप लोगों के लिए ये वीडियो इतनी मुश्किल से बना के मैं आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ। एक लाइक और पूरी वीडियो देखना, उस पर कॉमेंट करना, प्लीज़ आप इतना कर दिया कीजिए, क्योंकि आप लोगों का ही सहारा है, इसके अलावा और कोई सहारा नहीं है। क्योंकि मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों को मेरी वीडियोस अच्छी लगती है, और अगर अच्छी नहीं लगती है तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो कि हमें ये अच्छा नहीं लगता है, तो आप ये ना दिखाएं। प्लीज़ आप लोग कमेंट करा कीजिए, व्लॉग्स बताइए मेरे कैसे लगते हैं आपको। चलिए, यहाँ पर किचन क्लीन करने के बाद मैंने गर्मा गर्म फुलके सेक दिए थे, और फुलके कितने सेके ना कमेंट करके आप लोग बताना। मैंने वैसे सारे नहीं सेक दिखाए थे इसमें, बट अभी भी कितने सेके तो कमेंट करके ज़रूर बताना। चलिए, यहाँ पे गर्मा गर्म फुलके सिक्के तैयार हो रहे थे। आप लोगों ने आज क्या बनाया है खाने में मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और जब भी आप ये वाला व्लॉग देखें जब भी बता सकते हो। ऐसे तो ये थोड़ा सा पुराना हो गया है व्लॉग, बट मैं ये सोचती हूँ मेरा जब पुराना से पुराना भी व्लॉग हो, मैंने इतनी मुश्किल से बनाया है, इतनी मेहनत से बनाया है, तो मैं आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर करूँ। चलिए, यहाँ पे फुलके सिक गए थे, तो इसके बाद मैंने तोरी की सब्ज़ी रख ली है, प्लेटिंग कर लेते हैं। तोरी की सब्ज़ी, आलू बीन्स की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, इसके बाद मैंने कुछ खीरे काट लिए थे, आम भी मैंने काटा था, कुछ स्लाइसेस आम की रख देंगे। और इसमें से बच्चे तो आपको पता है कुछ सब्ज़ी नहीं खाएंगे, लेकिन मैंने तो तीनों सब्ज़ियाँ खाई थी। तो चलिए, यहाँ पे समर स्पेशल थाली तैयार है, गर्मा गर्म आइए आप लोग भी खा लीजिए। तोरी की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी। वैसे मैं तोरी में नींबू डाल के खाती हूँ, बहुत टेस्टी लगती है, और इसमें ना इसी में मैं रोटी भिगो लेती हूँ, सच में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। और बच्चों को आलू बीन्स की सब्ज़ी बहुत टेस्टी लगी थी, करेले की सब्ज़ी भी बहुत टेस्टी बनी थी। तो चलिए, आप लोग भी मुझे कॉमेंट करके बताना कि आप लोगों को मेरी ये वाली थाली कैसी लगी। इसके बाद किचन में काम करके ना मेरी हालत ख़राब हो गई थी, बहुत ज़्यादा वाली गर्मी लग रही थी, तो मैंने नहा कर कपड़े चेंज कर लेते और अपना नाइट वाला नाइट सूट गाउन पहन लिया था। और इतनी गर्मी है ना, मैं आपको बता नहीं सकती, और बारिशों के बाद तो ना गर्मी के साथ चिपचिपा मौसम भी चालू हो जाता है, और बहुत ज़्यादा गर्मी है, मैं बता नहीं सकती। आप लोग कहाँ से मुझे देखते हैं, आपके यहाँ पे कितनी गर्मी हो रही है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इसके बाद पीयू के पापा और भैया चले गए थे बाज़ार, वहाँ से सब्ज़ियाँ ले आए थे हम लोग। मैंने आपको बताया भी है कई बार, 3-4 दिन की एक साथ ही सब्ज़ियाँ ले आते, एक्चुअली आलू ख़त्म हो रहे थे बेसिकली, तो मैंने आलू ही बोले थे, फिर मैंने सोचा कि एक दो दिन बाद मैं सांभर बनाऊंगी, तो उसके लिए भी मैंने सामान सब्जियां मंगा ली थी। और चलिए, कोई नहीं, आप लोगों के साथ शेयर करेंगे नेक्स्ट आगे वाली वीडियोस में मैं क्या आप लोगों के साथ बनाने वाली हूँ और क्या नहीं। तो यहाँ पे खाना वगैरह मैंने रिता कर रख दिया था, सारे देख सकते हो आप बर्तनों में रखे हुए हैं। और फिर सब्जियाँ जो जो लेकर आए थे उनको मैंने फ्रिज में स्टोर करके रख दिया था। तो ये था मेरा आज का ना छोटा सा व्लॉग, मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है कि शाम का रूटीन कैसा रहता है। साथ साथ ही मैंने ना ड्राॅइंग रूम की
क्लीनिंग भी कर दी थी। चलिए मिलती हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, मिलती हूँ।